चक्रम जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके घटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने नमस्कार आप सभी को। मुझे लगता है कि वैद्य अरविंद पाठक जी को कुछ टेक्निकली जोड़ने में तकलीफ हो रही है। आप लोगों ने इसी लिंक को से ज्वाइन किया है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट हिम, देखता हूँ कि क्यों वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। जस्ट वेट। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके विविधौषधीनां
जलोकां दधतं मृतघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् बै जी आप होस्ट हैं। मैं अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहेंगे। तो जो अनिद्रा के पेशेंट आते हैं हमारे पास इंसोम्निया के, उस पर मैं बहुत अच्छा कुछ आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूं। तो हम लोग का कैमरा ऑफ है सर। मैं करता हूं सर, एक मिनट रुके, बस एक मिनट रुके। जी प्रणाम, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से। आज हम लोग ना बहुत अच्छा एक टॉपिक जो है अनिद्रा पे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी अपने अपने अनुभव बताइए कि आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं, और मैं कुछ ग्रंथोक्त बताऊंगा, कुछ अनुभविक योग बताऊंगा कि हम लोग कैसे मेडिसिन देखते हैं, क्या देते हैं, क्यों देते हैं, इस पर हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर आकांक्षा जी, आपके पास पेशेंट आते हैं वो आप बताइए, फिर मैं अपना कुछ थ्योरेटिकल भाग बताऊंगा। आकांक्षा जी। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए ना राम सर। सर अनिद्रा के पेशेंट्स में आजकल बहुत कॉमन सी चीज हो गई है, खासतौर से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जो डिफरेंट गैजेट्स का यूज है उसके कारण बहुत ही पेशेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं सर, क्योंकि कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, फोन मोबाइल फोन के बहुत ज्यादा यूजेस हो गए हैं जिसके कारण पेशेंट को निद्रा अनिद्रा की ये दिक्कत रहती है। तो सर अपने पेशेंट्स में खासतौर से जब पेशेंट्स को वैसे इसमें कॉजेज भी आपको अलग अलग देखने पड़ते हैं, कभी कभी बीपी इंक्रीज होने के कारण भी पेशेंट को निद्रा नहीं आती क्योंकि उसके कारण एंग्जाइटी वगैरह रहती है। ब्लड शुगर के पेशेंट्स में भी कभी कभी ऐसा रहता है। पित्त प्रकृति के पेशेंट में जैसे बताया गया है कि निद्रा मतलब बीच बीच में मतलब पूरी तरह से नहीं होती है और जल्दी खुल जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में एक तो आप प्रकृति के अनुसार आप डिफ्रेंशिएट करके आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और अगर इन जनरल अगर आपको जैसे देना होता है तो फिर मैं पेशेंट को पादाभ्यंग के लिए जरूर बताती हूँ, क्योंकि जो निद्रा होती है वो कहीं ना कहीं वात, जब शरीर में वात का बैलेंस बिगड़ता है तब कहीं ना कहीं होती है। तो इसलिए वात के जो स्थान मुख्य बताए गए हैं तो कर्णपूरण और पादाभ्यंग, ये स्पेशली पेशेंट को बेड पे जाने से 10 मिनट पहले बोलती हूँ कि अपने पैर के तलवों पे आप मालिश कर लिया करें। और सर भैंस का दूध जो कि बहुत अच्छा बताया गया है निद्रा जनन के लिए, भैंस का दूध एक कप या एक ग्लास पेशेंट को, अगर कोई उससे कोई दिक्कत नहीं होती है तो पेशेंट के लिए बताती हूँ। और सर ये कैलाश शिवन का भी उपयोग अच्छा होता है तो वो भी मैं अपने पेशेंट्स में यूज करती हूँ सर। तो सर ये शॉर्ट में थोड़ा सा बताया मैंने जी सर। आप और सोचिए और बताइएगा, पहले मैं अपने ग्रंथों में क्या बताया निद्रा के बारे में। तो नॉर्मल निद्रा जो आती है उसके बारे में चरक जी ने 6 टाइप के निद्रा बताए, और उसी तरह से आचार्य सुश्रुत ने 3 टाइप के बताए हैं, बागभट जी ने 7 टाइप के बताए हैं। आचार्य चरक जी ऐसे बोलते हैं कि पहला है तमोभवा, जब तम गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है माइंड में, शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब नींद आती है। दूसरा बताया है कि श्लेष्मोद्भवा, जब श्लेष्म मतलब कफ दोष ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादातर रात्रि में
बहुत ज्यादा श्लेष्म बढ़ जाता है क्योंकि रात्रि शीतल रहती है तब न नींद आती है। तमोद्भवा श्लेष तमोद्भवा। तीसरा है मन मना शरीर सम संभवा। जब मन और शरीर थक जाता है मतलब वो थकावट आ जाती है तब नींद आ जाती है। फिर बोल रहे हैं आगंतुकी, आगंतुकी निद्रा रहती है वह भी एक टाइप बताया। फिर उसके बाद में व्याधियानुवर्तनी, व्याधि के वजह से भी कभी कभी नींद आने लगती है। और छठवां टाइप उन्होंने बताया कि रात्रि स्वभाव प्रभावा, मतलब अपने आप रात्रि में सभी को नींद आती है। ये बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है कि रात को सबको ही नींद आती है। आचार्य सुश्रुत जी ने ऐसा बताया कि वैष्णवी, वैकारिकी और तामसी, इस तरह के तीन उन्होंने सुश्रुताचार्य जी ने बताया। आचार्य वृद्ध भागवत जी जो है अष्टांग संग्रहकार, उन्होंने बोला है कि काल स्वभावज निद्रा जो रात्रि को आती है। फिर आमय क्लेद प्रभावज, आमय मतलब व्याधि से, आमय खेद प्रभावज, आमय खेद प्रभावज जो निद्रा रहती है वह दूसरी टाइप है। फिर बता रहे हैं मतलब व्याधि की वजह से जो निद्रा आती है। तीसरा टाइप बताया कि चित्त खेद प्रभावज, अगर मन बहुत ज्यादा दुखी होता है, आपने आप कोई कहीं पर गए और वहां आपको किसी ने डांट दिया तो आपका चित्त खेद हो जाएगा और फिर आपको नींद आएगी तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। फिर है देह खेद प्रभावज, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम किया और शरीर बहुत ज्यादा थक जाता है उसकी वजह से भी नींद आ जाती है। फिर है पांचवा टाइप कफ प्रभावज, मतलब कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब नींद आती है। फिर छठवां टाइप बताया आगंतुकी निद्रा, मतलब वो आगंतुकी टाइप रहती है, वो कोई मतलब एक्सटर्नल फैक्टर से आती है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया या कोई जैसे कोरोना वायरस में बहुत सारे लोगों को नींद बहुत ज्यादा आ रही थी जो कोरोना के पेशेंट थे, आगंतुक कारणों के वजह से जो नींद आती है। और सातवां कारण है तमोभवा, बहुत ज्यादा तम गुण बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो नींद आती है उसको तमोभवा बोला है। और आप लोग इस पर और बताइए अपना अनुभव, मैं आप लोगों को और कुछ कुछ बताऊंगा। डॉक्टर लक्ष्मी जी, आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप क्या देती हैं जिनको नींद नहीं आ रही है? डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी, लक्ष्मी जी शायद सुन नहीं रही हैं। डॉक्टर विकास कुमार जी, हाँ जी बताइए आप। सर ये जो आते हैं ज्यादातर तो चिंता के कारण होते हैं, कुछ का ब्लड प्रेशर एक कारण हो सकता है। इसमें तमाम ऐसे भी हैं कि जो दिन में सो लेते हैं और शिकायत करते हैं रात को नींद आती है, नहीं आ रही है जी। और तमाम लोग ऐसे हैं कि जिनमें श्रम का अभाव है, परिश्रम करने वाले जो थके रहते हैं वो तो अक्सर रूटीन में सो ही जाते हैं जी। तो ये जो समय पर नियमित रहने वाले हैं उनको तो अक्सर नहीं आता है, मानसिक अवसाद कुछ ऐसा न हो तो नॉर्मली सो ही जाते हैं। वैसे इसमें यूज करता हूँ मैं द्रव्य का प्रयोग करता हूँ ज्यादातर तो ठीक हो जाते हैं। वैसे रूटीन सही करना ज्यादा जरूरी रहता है जी। अभी क्या है ना कि विकृत निद्रा जो रहती है उसको चार भाग में हम लोग बांट सकते हैं समझने के लिए अपने ग्रंथों के हिसाब से। एक होता है दिवास्वप, दिन में सोना, ये दिवास्वप है, विकृत निद्रा है। एक होता है अति निद्रा, दिन में भी सोए, रात को भी सोए, दिन में भी सोए, दिन भर सोते रहे, ये होता है अति निद्रा। ये दूसरा टाइप होता है विकृत निद्रा का। फिर एक होता है अनिद्रा, निद्रा नाश, नींद ही नहीं आना, ये निद्रा नाश होता है। और चौथा टाइप होता है कि रात्रि जागरण, मतलब नींद आ रही है लेकिन रात को जाग रहे हैं, या तो मोबाइल में खेल रहे हैं या बात कर रहे हैं या कुछ काम में बिजी हैं तो रात्रि जागरण, या ट्रैवलिंग कर रहे हैं जहां नींद पूरी नहीं हो रही है और नींद आ रही है लेकिन तो ये रात्रि जागरण। ये चार टाइप होता है विकृत निद्रा का। तो हमें हमारे पास पेशेंट ऐसे ही आते हैं, या तो वो दिवास्वप कर रहे होते हैं या अति निद्रा वाले होते हैं। अब इसी का मैं और बताऊंगा कि ये हेतु कैसे होता है अलग अलग व्याधियों में। एक होता है अनिद्रा, जिनको नींद ही नहीं आती है, नींद गायब हो जाती है, और एक होता है रात्रि जागरण, चार टाइप होते हैं। आप लोग और बताइए। डॉक्टर विकास जी आप कुछ बता रहे थे, हाँ मैं ही बता देता हूँ। दिवास्वप जो है दिन में सोने से क्या क्या व्याधियां होती है, तो हमारे मेरे पास ना कुछ कंपाइलेशन है। जैसे दिन में सोने से शिरो रोग होता है, बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, चरक सूत्र स्थान 17/8 में बताया। दिन में सोने से स्थूलता होती है, चरक सूत्र स्थान 21/4 में बताया। फिर मैं अभी रेफरेंस में बता रहा हूँ, चरक का पूरा मैं कंपाइल करके बता रहा हूँ। तो संतर्पण जन्य व्याधियां होती है, मेदोवस्त्रोतस की दुष्टि होती है, दिन में सोने से कफज ज्वर होता है, दिन में सोने से कफोदर होता है, फिर दिन में सोने से जातोत्तर अर्श व्याधि है, मतलब जन्मजात जो अर्श व्याधि है वह हो जाता है आगे आने वाली संतानों में। फिर कफज अर्श होता है, दिन में सोने से पांडु रोग होता है, दिन में सोने से कफज अतिसार होता है, दिन में सोने से विसर्प होता है, ऐसा सब लिखा है हेतुओं में। दिन में सोने से कफज मदात्य होता है, दिन में सोने से उरुस्तंभ होता है,
दिन में सोने से वात प्रकोप होता है, दिन में सोने से वात रक्त होता है, दिन में सोने से स्तन्य दुष्टि होती है, दिन में सोने से अरुचि होता है, दिन में सोने से अविपाक होता है, दिन में सोने से अग्नि नाश होता है, दिन में सोने से स्थैमित्यता होती है, दिन में सोने से कंडू होता है, दिन में सोने से पामा होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम होती है, दिन में सोने से दाह होता है, दिन में जो लोग ज्यादा सोते हैं उनको छर्दी की बीमारी होती है, दिन में सोने से अंगमर्द होता है, बॉडी एक बहुत होता है, दिन में सोने से हृदय में स्तंभ होता है, दिन में सोने से जाड्यता होती है, दिन में सोने से तंद्रा होती है, दिन में सोने से दुर्बलता होती है, दिन में सोने से दिन मूत्र जो होता है वो लाल रंग का आने लगता है, फिर दिन में सोने से कफ की अल्पता होती है तालु में, अविपाक होता है, स्थैमित्या, दिन में सोने से कृमि भी होते हैं, कृमि रोग का हेतु में बताया दिवासौ, फिर रक्त का प्रकोप होता है, दिन में ज्यादा लोग सोते हैं मन्यास्तम होता है, अश्मरी होता है, प्रमेह होता है। तो हमें ना दिन में सोने से इतनी सारी बीमारियां होती है। अभी भी आज शनिवार है, लोग सो रहे हैं, जो लोग सो रहे हैं जो यहाँ पर नहीं सुन रहे हैं उनको ये सारी बीमारियां होने के चांसेस है। जब तक यंग है तब तक ठीक है, लेकिन जो लोग कंटिन्यू सो रहे होते हैं उनको बहुत ज्यादा बाद में तकलीफ होने लगता है। फिर इसके बाद में दिवा स्वाप जो है, यह एक तो हेतु भी बताया है, लेकिन दिवा स्वाप कोई कोई चीज में सोना एक ट्रीटमेंट भी बताया है। जैसे तृष्णा रोग है तो दिन में सोना चाहिए, हिक्का है, अजीर्ण है, अतिसार है, तो वो ट्रीटमेंट के पर्पज से भी बताया कि जैसे अतिसार हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है और दिन में अगर सो गया तो उसका अतिसार ठीक हो जाएगा। इसी तरह से किसी को प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास की बीमारी है, दिन में सो गया तो उसका ठीक हो जाएगा। हिचकी आ रही है, अजीर्ण हो रहा है, या फिर किसी को पेन हो रहा है, पूरा बॉडी में कुछ चोट लग गया, अभिघात हो गया और उसने दिन में सो गया, तो उसके लिए वो एक ट्रीटमेंट भी है। यह जो मैं बता रहा हूँ ना, ये किसी के एमडी थेसिस से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा ये मतलब जरूरी है हम लोग का डिस्कशन होना। दिवा स्वाप जो है ना, ये किस किस चीजों में कंडीशन में सोने के लिए बताया है, चरक सुश्रुत बागभट का मैं बता रहा हूँ। तो जो लोग बहुत ज्यादा गीत गाए हुए रहते हैं, गाना वाना गा लेते हैं और थक जाते हैं, उनको दिवा स्वाप जो है वो इंडिकेटेड है। जो लोग बहुत ज्यादा स्टडी किए हैं, जैसे लोग नीट का एग्जाम का तैयारी करते हैं, जेईई का तैयारी करते हैं, फिर मतलब जो लोग बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं उनके लिए इंडिकेटेड है, वो लोग सो सकते हैं दिन में। जो लोग बहुत ज्यादा मद्य पीते हैं वो लोग दिन में सो सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा मैथुन किए हुए हैं और थक गए हैं वो लोग दिन में सो सकते हैं। जिनका बहुत ज्यादा वमन हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा शोधन हो गया है, उन वो लोग के लिए दिन में सोना अलाउड है। जो लोग बहुत ज्यादा चल के आए हैं, बहुत ज्यादा वॉकिंग किया है, लोग जैसे यात्रा करते हैं, मतलब चारधाम की यात्रा करते हैं, बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, अमरनाथ की यात्रा करते हैं, तो जो लोग बहुत ज्यादा यात्रा करते हैं उनके लिए दिवा स्वाप अलाउड है। जिनको अजीर्ण हो गया उनके लिए अलाउड है। जो लोग इनडाइजेशन है, रसशेषाजीर्ण है, पच नहीं रहा खाना, उनके लिए अलाउड है। जिनको प्यास लग रही है, जिनको अतिसार है, जिनको कॉलिकी पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, जिसको नींद ही नहीं आती है, जिसको हिचकी बहुत आती है और जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और फिर बहुत ज्यादा वृद्ध लोग हैं, बहुत ज्यादा वीक दुर्बल लोग हैं, बहुत ज्यादा जो चोट लग गया है, जो लोग कोई गाड़ी से गिर गए हैं, जिन लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो लोग बहुत शोक में है, जो लोग बहुत ज्यादा भय में है, तो इनके इन और जो लोग का आदत है, जो ओक साथ में हो गया कि एक दो घंटा सोते हैं और नैप ले लेते हैं तो उनको फ्रेश लगता है, ओक साथ में है, उनके लिए दिन में सोना इंडिकेटेड बताया है। अब आप लोग कुछ बताइए, डॉक्टर नितिन बंसल जी, आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे जो दिवा स्वाप करने से उनका हेतु आता होगा, मधुमेह वगैरह, वो कृपया बताइए। डॉक्टर नितिन बंसल जी सुन पा रहे हैं क्या? जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, आप प्रैक्टिशनर है, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, थोड़ा बताइए इस पर। सर आते हैं, अलग अलग क्या होता है, मान लो कफ की वजह से होता है तो कफ की व्याधि देखनी पड़ती है किस कारण है, पित्त से भी हो जाता है ये काम, और बहुत सी बार ऐसा भी हो जाता है कि मान लो दिन में वो इंस्टॉलमेंट में बहुत से बैठे बैठे सोते रहते हैं, रात्रि में नींद नहीं आती, मोबाइल का ज्यादा प्रयोग, लाइट ज्यादा लाइटों में रहना, तेज आवाज सुनना, ये भी कारण माना जाता है। अब ना अपने चरक संहिता में ऐसा बताया है कि दिन में सोने से और क्या क्या हो जाता है, तो दिन में सोने से हलीमक व्याधि का हेतु बताया है, शिरशूल होता है, कोई भी दिन में सोता है ना अचानक बहुत ज्यादा सो जाते हैं उनको बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, फिर भूख कम हो जाता है, पूरा पैरों में सूजन आती है। कोरोना टाइम पे ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जो कंटिन्यू सो रहे थे और पूरा पैर सूज गया था,
फिर अर्धावभेदक होता है, आधा सर दर्द होने लगता है, फिर पीनस होता है, हुरलास होता है, छर्दी होता है, भूख ना लगना, फिर पूरा शरीर में पिड़काएं निकल जाती है, स्किन में जब जगह छोटे छोटे से दाने दाने निकल जाते हैं, फिर खुजली आती है, फिर बहुत ज्यादा तंद्रा रहती है, और पूरा बॉडी में गुरुगात्रता रहती है, स्थैमित्य रहता है, हेडेक रहता है, अति जो लोग बहुत ज्यादा दिन में सोते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, फिर खांसी आती है, फिर उसके बाद में मेमोरी और इंटेलिजेंस पे भी इसका इफेक्ट होता है, फिर बहुत ज्यादा दिन में सोने से जो अपने ज्ञानेंद्रिय है वो भी अपने काम नहीं कर पाते हैं, और ज्वर होता है, ये सब हमें ग्रंथों में बताया गया है। और पंचकर्म के बाद दिवा स्वाप तो एकदम वर्ज्य बोला गया है, मतलब शोधन करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने को बोला है, लेकिन जिन्होंने बहुत ज्यादा वमन विरेचन वगैरह किया है तो एकदम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि सोना नहीं है, आप रेस्ट करिए लेकिन सोना नहीं है शोधन चिकित्सा के बाद। जी अभी आप लोगों को कुछ और बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे अति निद्रा पे बताऊंगा। डॉक्टर रूपाली जी आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। डॉक्टर पूजा जी आप लोगों के पास पेशेंट ऐसे आते हैं क्या दिन में सोने वाले? डॉक्टर प्रीति जी, नहीं तो मैं बोलता हूं, आप लोग सुनिए। अति निद्रा जो रहता है उससे क्या क्या होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में सोते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं तो रात को भी सो रहे हैं दिन में भी सो रहे हैं, उनको प्रमेह व्याधि होती है, ऐसा चरक निदान स्थान में बताया, प्रमेह के निदान में बताया। फिर कफज अतिसार होता है, फिर श्लैष्मिक अपत जो कफज अपस्मार है वह हो जाता है, फिर कफज कास होता है, जो लोग ज्यादा सोते हैं उनको प्रमेह होता है, कफज अतिसार होता है, श्लैष्मिक अपस्मार होता है, कफज कास होता है, ग्रंथि विसर्प होता है, फिर उसके बाद में कफज शिरोरोग होता है, कफज हृदरोग रहता है। अति निद्रा जो रहता है वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस रहता है। और अति निद्रा किस किस में, कौन कौन सी व्याधियों में ज्यादा आती है वह ध्यान से सुनिए। तो अति निद्रा किस में आती है बहुत ज्यादा, तो कफज छर्दी अगर हो गया तो बहुत ज्यादा नींद आती है, क्योंकि कफ 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 बहुत रहता है, कफज अतिसार में बहुत ज्यादा नींद आती है अति निद्रा, कफज गुल्म में अति निद्रा होती है, फिर वात श्लेष्म ज्वर में बहुत ज्यादा अति निद्रा आती है, कफज ज्वर में बहुत ज्यादा नींद आती है, जो वसंत ऋतु वाला जो ज्वर होता है ना उसमें बहुत ज्यादा नींद आती है, फिर कफोदर में बहुत ज्यादा नींद आती है, सानिपात ज्वर है, सानिपातिक ज्वर उसमें निद्रा आती है, फिर अगर मेंढक ने काट दिया, मंडूक विष मेंढक ने काट दिया तो बहुत ज्यादा नींद आती है, फिर कफज तृष्णा में बहुत ज्यादा नींद आती है, फिर कफज शोथ में बहुत ज्यादा नींद आती है, फिर ग्रंथि विसर्प में बहुत ज्यादा नींद आती है, फिर अन्न अन्नावृत स्नेह बस्ती जब रहता है, आप लोगों ने देखा होगा बस्ती का अलग अलग आवृतत्व हो जाता है, व्यापक होता है, अन्नावृत स्नेह बस्ती के बाद भी बहुत ज्यादा अति निद्रा आती है, ऐसा कंपाइलेशन किया है। और अति निद्रा कौन कौन से व्याधियों में उपद्रव स्वरूप आती है, मतलब कॉम्प्लिकेशन के रूप में आती है, तो अनुवासन बस्ती के व्यापद में अति निद्रा आती है, मतलब अनुवासन बस्ती पचा नहीं है, बहुत हैवी हो रहा है तो बहुत ज्यादा नींद आएगी, फिर संशोधन का अगर व्यापक हो गया तो अति निद्रा आती है, स्नेहन का व्यापक हो गया, स्नेह पचा नहीं तो उसके वजह से पूरा हैवी हैवी लगता है, बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। ठीक है, अभी आप लोग कुछ बोलिए, क्या है ना व्याकृति निद्रा पे बहुत ज्यादा हम लोगों को रिसर्च करना चाहिए कि दिवा स्वाप जो है वो व्याकृति निद्रा है, अति निद्रा हो रही है वो भी व्याकृति निद्रा है, फिर उसके बाद में अनिद्रा, अनिद्रा जो है हमारा आज का टॉपिक उस पर मैं बताऊंगा। डॉक्टर रमन गर्ग जी आप कुछ बताएंगे? डॉक्टर रमन गर्ग जी प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम सर। जी बताइए सर, मैंने पूरा सुना नहीं, अभी ज्वाइन किया, वैसे मैंने एक बात करना चाहता था, मेरे पास ना एक पेशेंट आए जी, वो बोलते कि जैसे ही मैं खाना खा लेता हूँ ना दोपहर में तुरंत नींद आनी शुरू हो जाती है जी, तो मेरी जो समझ में आया तो मैंने उनको कहा कि आपका जो पित्त है वो कमजोर है, तो इसलिए मैंने उसका ट्रीटमेंट दिया उनको केवल 10 दिन के लिए जी, वो पांचवें दिन आके मुझे बताते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया जी, कि मतलब मुझे अब वैसा फील नहीं होता जी। आप लोग को पता है एक डॉक्टर संजीव त्रिहान जी आए थे, उनको प्रतिशय का बीमारी था, तो मैंने उनको कहा था कि आप दिन में मत सोइए, तो बाकी सब दवाई दिया लेकिन उनका दवाई सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि वो दिन में सोते थे, खाना खाके और दिन में सो जाते थे, इसलिए ऐसा होता था। सर कई पेशेंट में वेग विधारण करने से भी ऐसी दिक्कत आ जाती है कि उसके बाद उनको निद्रा ही नहीं आती है, तो निद्रा वेग जो बताया गया उसके धारण से भी ऐसा होता है, तो उसमें अगर ऐसे अगर कोई पेशेंट आता है तो जैसे कि उस श्लोक में बताया गया निद्रा मोह मूर्धाक्षी गौरव वाले से जुम्बिक अंग मर्दश चतिष्ठ स्वप्न संवाहन आनी चाहिए, तो ऐसे पेशेंट में
अंग मर्द एज अ ट्रीटमेंट बताया गया, तो ऐसे पेशेंट्स में फायदा होता है। और जब हम लोग, कई बार ऐसा होता है जब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग बहुत थक जाते हैं, जैसे ट्रैकिंग करके आए या बहुत करने बहुत थकने के बाद अगर हम आके लेटते हैं बिस्तर पे, तो हमको लगता है कि अरे वाह अब तो बहुत अच्छी नींद आने वाली, बट क्यों वहाँ पे एकदम उल्टा होता है। उस केस में हमको नींद ही नहीं आती क्योंकि वहाँ पे वात का चलगुण बढ़ जाता है, जिसके कारण वो निद्रा कहीं ना कहीं वात को वो करती है, और वात बढ़ने के कारण शरीर में निद्रा नहीं आती। तो ऐसे में सेम जो वात के स्थान बताए गए हैं, जब तक वहाँ पे अच्छी तरह से अगर हम स्नेहा नहीं करते हैं, तब तक हमको निद्रा नहीं आ पाती है। आपने बहुत बढ़िया बताया। अब अनिद्रा एज ए हेतु, ये बहुत सारे हमारे कंडीशंस में बताए कि नींद न आना उससे क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो ऐसा बताया अष्टांग संग्रह निदान स्थान में, ऐसा बताया कि वात पित्त जन्य विसर्प है तो उसमें अनिद्रा मतलब वात पित्त जन्य विसर्प रोग जो हो रहा है ना, उसमें न सोना, जिनको नींद नहीं आती है उनको वात पित्त जन्य विसर्प जरूर होता है। फिर जिनको नींद नहीं आती है वैसे पेशेंट में रक्त प्रदर जरूर होता है। सन्निपातज अतिसार है उसमें भी नींद ना आना ये हेतु रहता है। तो आपके पास जब भी प्रदर के पेशेंट आते हैं, मेटोरेजिया मेनोरेजिया के जब भी पेशेंट आते हैं, तो आप जरूर पूछिए उनसे कि वो लोग को नींद कैसी है, कैसा नहीं है। और ये 100% मिलता है, मतलब 100 में से 100 पेशेंट में रात्रि नींद ना आना अनिद्रा ये हेतु रहता है। क्योंकि वायु का प्रकोप होता है, वायु का प्रकोप अगर रक्त धातु को दूषित करेगा और रक्त प्रदर बढ़ जाता है, तो ये है। और अनिद्रा जो है वो लक्षण रूप में कौन कौन से व्याधियों में आता है, तो जिनको वातज मदात्य की बीमारी है, वो ज्यादा मदिरा पी रहे हैं और उनको मदात्य हो गए, उनको अनिद्रा होना ये टिपिकल सिम्टम है। फिर सांप ने काटा, और कौन सा सांप, दर्विकर सांप ने काटा, तो उनको अनिद्रा रहती है, मतलब उनको नींद गायब हो जाती है सांप के काटने पर। फिर वायु की वृद्धि होने के बाद भी जैसे ज्वाइंट पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, रात भर तड़प रहे हैं, उनको निद्रा नाश हो जाता है कोई सी भी तरह का वात वृद्धि होता है। तो फिर राक्षस ग्रह ने अगर बॉडी को आक्रांतित कर दिया, उनको भी नींद नहीं आती है। और फिर उसके बाद में वमन का अतियोग अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा उल्टी कराया, बहुत ज्यादा कराया, तो उनको अनिद्रा हो जाता है। फिर वातज हृदय रोग रहता है उसमें भी अनिद्रा ऐसा होता है। हमें ना जो मैं बता रहा हूं ना ये आप लोगों को मिलेगा ही, हमारे ग्रंथों में ऐसा बताया है। फिर है कि रात्रि जागरण, यह ना विकृत टाइप की निद्रा है, और इसमें तो जागरण इतना ज्यादा होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा होता है रात्रि जागरण, क्योंकि मोबाइल पे खेल रहे होते हैं, मोबाइल पे टिकटॉक देख रहे हैं, फिर फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ में हम बिजी रह रहे हैं, तो रात्रि जागरण होता है। ये भी विकृत टाइप का रहता है, इसमें नींद ही नहीं आती है रात भर। तो इसमें क्या कारण हो सकता है, तो अपने ग्रंथों में बताया है कि चिंता बहुत ज्यादा होना, जिसको किसी ना किसी बात से बहुत ज्यादा कोई बात खाई जा रही है उसका रात्रि जागरण हो जाता है। फिर जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है किसी ना किसी चीज से, उसको रात्रि जागरण हो जाता है। जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एक ही बात पे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, डिवोर्स के केसेस वाले पेशेंट आते हैं, उनको अपने जैसे वाइफ है तो उसको पति से, पति को वाइफ से बहुत ज्यादा कुछ कुछ बात बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो लोग रात्रि जागरण करते हैं। क्रोध जो भी है जहाँ पे फैक्टर, वहां पे रात्रि जागरण होता है। फिर किसी किसी को डिप्रेशन रहता है, शोक में रहता है, और इतना ज्यादा शोक रहता है कि रात्रि जागरण बहुत ज्यादा होता है। फिर कोई भी काम जो रहता है ना वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो जिसको बोलते हैं कार्यमंगता, मतलब कोई कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उसके वजह से भी बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। ऐसा भी एक शब्द लिखा है कार्यमंगता, कार्यमनांगता, तो यह भी रात्रि जागरण का एक हेतु बताया है। और इसके बाद में ऐसा बता रहे हैं कि रात्रि जागरण करने से क्या होता है कि शरीर में वायु और पित्त दोष जो रहते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और वायु और पित्त बढ़ने की वजह से क्या होते हैं कि वायु के विकार होने लगेंगे, कफ जो दोष है वो कम होने लगेगा, और तमोगुण बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो माइंड का जो इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, वो नाश होने लगता है। इसलिए रात्रि जागरण, और जो लोग जैसे कॉल सेंटर में काम करते हैं, जो लोग का रात्रि जागरण होता है उन लोग का बीपी का तकलीफ होता है, फिर बहुत सारे जॉइंट पेन होते हैं, कमर दर्द होता है, बहुत सारे तकलीफें बढ़, हृदय के सारे रोग होने लगते हैं। और रात्रि जागरण जब करते हैं तो वह रात्रि जागरण करने से क्या क्या बीमारियां होती हैं, तो आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया है कि उरुस्तंभ नाम की व्याधि होती है, फिर उदावर्त नाम की बीमारी होती है, फिर शरीर कृश होने लगता है, फिर शिरो रोग होता है, और पूरा बॉडी में शोथ जो होता है वह रात्रि जागरण से होता है।
अब रात्रि जागरण जो है वह लक्षण रूप में कौन कौन से व्याधियों में होता है, तो वातज ज्वर में होता है, फिर कृशता में होता है रात्रि जागरण लक्षण, शिरोरोग में रात्रि जागरण लक्षण रूप में होता है। अभी आप लोगों को कुछ बताना है तो बताइए। आप लोग बस सुनिए मत। डॉक्टर श्रुति निगम जी, आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे जो रात्रि जागरण करते हैं, तो आपका क्या अनुभव है पेशेंट में? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए सर। एक्चुअली दो दोष के कारण से अनिद्रा का कंडीशन हो सकती है, वात और पित्त दोनों ही के कारण। यदि वात के कारण है तो जनरली अनिद्रा होती है, और यदि पित्त के कारण मतलब नींद नहीं आती है और पित्तजन्य है तो नींद टूटेगी, बार बार टूटती है और ऐसे ब्रेक ब्रेक में नींद आती है, ऐसा मतलब हम संहिताओं में भी पढ़ते हैं और ऐसा अनुभव भी देखते हैं। तो एक्चुअली एक पेशेंट का मैं बताती हूँ, तो एक पेशेंट के साथ था, ऐसे रात में इश्यूज थे, तो मैंने जैसा थोड़ा सा नॉर्मल पूछा था, उनका हिस्ट्री ली थी, उनका लाइफ स्टाइल पूछा था, तो वो जैसे ऑफिस से आने के बाद फिर जिम करते थे, जिम जाते थे, खाना वाना खा के सोने का ट्राई करते थे, तो मैंने सिंपल ही कराया था उनको, मेडिटेशन वगैरह बोला था, हल्का म्यूजिक जैसे लगा के सोना है आपको, आप यदि कुछ ऐसा वो चाहते हैं कि ऐसा भजन सकते, तो बहुत सारे यूट्यूब पे म्यूजिक है लाइट ऐसे म्यूजिक थेरेपी टाइप के, या मेडिटेशन वाला कुछ यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसे लगा के सो सकते हैं, शिरोधारा भी अच्छा इफेक्ट करता है। मैंने रात का उनका ये बोला था कि सुबह को आप टाइम निकाल के जिम कीजिए, शाम को मत कीजिए, एकदम से वायु बढ़ जाती है। तो वैसे यदि आजकल देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल इससे ग्रसित हैं कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस है, जैसे अभी आपने इतने सारे रीजन बताए, वो बहुत सारे रीजंस हैं, हर किसी को किसी ना किसी तरीके से टेंशन है, और ये देखा जाता है कि एक प्रॉपर टाइम होता है नींद आने का, यदि हमने वो ब्रेक कर दिया, वो नहीं उस टाइम पे नहीं सो, और जस्ट पेशेंट से पूछो तो मोबाइल ही मिलता है मैक्सिमम टाइम, 99% कि हम मोबाइल चला रहे थे, फिर उसमें फेसबुक देखते रहे या कुछ भी देखते रहे, तो फिर वो टाइम निकल जाता है, फिर उसके बाद पेशेंट्स को सोने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए पहला तो यही एडवाइस करना चाहिए कि आप बिल्कुल जैसे भी खाना खा रहे हैं उसके बाद जो भी आप थोड़ा वॉक कर रहे हैं उसके बाद जो आपका टाइम है प्रॉपर टाइम पे लेट जाइए और मोबाइल को दूर रख दीजिए साइलेंट पे करके, क्योंकि फिर वो दिमाग में विचार चलते रहते हैं और हम उन विचारों से दूर नहीं हो पाते और फिर नींद ब्रेक हो जाती है। शिरोधारा अच्छा इफेक्ट करता है, तगर वगैरह भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, ऐसे तो खैर बहुत सारी मेडिसिन हैं, बाकी म्यूजिक का मुझे वो लगता है कि अच्छा इफेक्ट है। बहुत बढ़िया बताया आपने। अभी आचार्य चरकाचार्य जी ने बहुत बढ़िया बताया है कि नींद नहीं आना इसका क्या क्या कारण होता है, तो पूरा एनालिसिस किया गया, तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि अगर बहुत ज्यादा विरेचन हो जाता है तो नींद नहीं आती है, अगर बहुत ज्यादा डर है मतलब घबराहट हो रही है, व्याकुलता है, तो नींद नहीं आएगी। उसी तरह से बहुत ज्यादा क्रोध है तो नींद नहीं आएगी। अगर भूखे रह रहे हैं, रात को खाना नहीं खाया और भूख से तड़प रहे हैं, तो भी नींद नहीं आती है। फिर उसी तरह से जो बेड है अनकंफर्टेबल अगर रहा, मतलब जिसको दुख शैया बोला है, उसके वजह से भी नींद नहीं आती है। या फिर कोई ऐसे कार्य किए हैं जो अनकंफर्टेबल है, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कोई चोरी कर लिया, किसी ने कुछ गलत काम किया, तो उसको रात भर नींद नहीं आएगी। तो ये जो गलत कार्य है यह भी एक हेतु बताए। और फिर काल के वजह से भी कभी कभी नींद नहीं आती है, कभी कभी विकार कोई व्याधि के वजह से होती है, फिर उसके बाद में वात और पित्त के प्रकोप के वजह से भी नींद नहीं आती है, फिर मनस संताप होता है तो उसके वजह से नींद नहीं आती है, धातुओं का क्षय होता है तो बहुत इसके वजह से नींद नहीं आती है, कभी कभी चोट इतना ज्यादा लगता है कि इंसान तड़पते रहता है, अगर उसको एनाल्जेसिक वगैरह नहीं दिया गया और तो भी उसके वजह से अभिघात की वजह से नींद नहीं आती है। फिर कभी कभी बहुत ज्यादा ना किसी को साथ नहीं होता है, रात रात भर वो सो ही नहीं पाते, जैसे शाहरुख खान जी है, शाहरुख खान जी को बहुत कम नींद आती है, 3 या 4 घंटे ही नींद आती है, ऐसा बोला जाता है कि, या मोदी जी को भी, वो तो उनके लिए साथ में है कि वो 4 घंटे ही सोते हैं, स्वामी विवेकानंद भी 4 घंटे ही सोते थे, उनके लिए वो साथ में था। फिर कोई कोई व्याधि की वजह से नींद नहीं आती है, फिर वात पित्त दोषों की वृद्धि होने की वजह से नींद नहीं आती है, तो ये हमें समझना चाहिए। कभी कभी कोई काम होता है, कोई कार्य की वजह से नींद नहीं आती है, कभी कभी टाइम बीत जाता है नींद का, वह अगर बीत गया, व्यतीत हो गया, उसकी वजह से नींद नहीं आती है। कभी कभी किसी की प्रकृति ऐसी होती है
कि उनको नींद ही कम आती है, ये सारा चीज बताए हैं। और फिर निद्रा नाश के लिए हेतु क्या क्या बताए हैं कि दोषों के हिसाब से देखेंगे तो वायु का प्रकोप होना, पित्त का प्रकोप होना, मेंटल हरासमेंट बहुत ज्यादा होना, मतलब मन जो दुखित है बहुत ज्यादा उसके वजह से हो सकता है। अगर बॉडी में ये वाइटल फ्लूइड जो है वीकनेस वगैरह अगर बहुत ज्यादा आ जाती है उसके वजह से अगर है तो वो नींद कम आती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गया, उसके वजह से नींद कम आती है। अभी तक मैं केवल यही हेतु और ये लक्षण इस पे ही मैं अभी बात कर रहा हूँ। आप लोग कुछ बताइए, ऐसे निद्रा नाश के पेशेंट आते हैं तो और क्या क्या हेतु मिलता है आप लोगों को? डॉक्टर आदिल खान जी आप कुछ बताएंगे? डॉक्टर विनीता चौहान जी आप बताइए कुछ, आपके कुछ अनुभव से बताइए। सर जो मेनोपॉज वाली पेशेंट होती है ना उनमें भी अक्सर ये सिम्टम होता है, मतलब पेरीमेनोपॉजल जो होती है उनमें ये अक्सर ये सिम्टम होता है कि नींद कम आ रही है उनको। हाँ बराबर। हाँ अब ऐसे ही अगर आहार जन्य, अगर आहारज और विहार जन्य अगर निद्रा नाश के कॉज देखें तो जो लोग बहुत ज्यादा यव ऐसे सूखा चीज खाते हैं, रुक्ष अन्न खाते हैं, उनको नींद कम आती है। जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, धूमपान करते हैं, उनको नींद कम आती है। जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज, उनको नींद कम आती है। मतलब बॉडी से ज्यादा मात्रा में जितना उनकी कैपेसिटी उससे ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं। फिर जो लोग बहुत ज्यादा उपवास करते हैं उनको नींद कम आती है। जो लोग को भूख लगी है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं उनको नींद कम आती है। जो लोग बहुत ज्यादा मैथुन करने में बहुत ज्यादा बिजी हैं उनको नींद कम आती है। फिर मानसिक कारण तो बता दिया है कि भय, चिंता, क्रोध, मन संताप, व्यथा। जो लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, हर्ष भी एक कारण है कि रात भर कोई चीज अचीव कर लिया उनको खुशी में रात भर नींद ही नहीं आती है। जिनको कभी कभी लोभ होता है कि मुझे ये करना है वो करना है उनको नींद नहीं आती है। जो लोग बहुत ज्यादा शोक में रहते हैं उनको नींद नहीं आती है। फिर और कॉजेज बताए कि क्षय होना और अभिघात होना, ये सब हमें हेतुओं पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए कि नींद क्यों नहीं आ रही है। जी और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप निद्रा नाश के क्या क्या हेतु आपको मिले? जो आपने बताया है कि जो जो लाइफ स्टाइल है लोगों की वो बहुत ज्यादा मतलब खराब है इस समय, और मैंने अभी इस अभी 3-4 महीनों में मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए जो अनिद्रा से पीड़ित थे, और उनके उनका जब अपन ने हेतु का पता करना चाहा तो किसी का लड़का बहुत ज्यादा मतलब बीमार था, कोरोना में चला गया, उसके बाद से उनको नींद आना बंद हो गया। तो कोई ये वर्क फ्रॉम होम वाले जो लोग हैं जो घर पे काम करते हैं, कंपनी उनको 12-12 घंटे काम करा रही है, उसके कारण उनका उनको अनिद्रा का बीमारी हो गया। वात पित्त बढ़ने से भी, जैसे मैंने कई काफी अम्ल पित्त के पेशेंट भी ऐसे देखे जिनको रात में नींद नहीं आती थी। तो जो भी आपने अभी कारण बताए हैं कि मानसिक तनाव, क्रोध, चिंता, भय, ये मतलब आज की जीवन शैली और ये सब चीजें अनिद्रा के बहुत मतलब प्रमुख कारण है सर। जी तो आपने सही बताया। अब हम चिकित्सा पर आते हैं कि अगर हाँ जी बताइए सर। सर एक मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा। हाँ सर जो एक हमारे आजकल घरों में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, घरों में, कमरों में, सोने के कमरों में भी एलईडी बल्ब या ट्यूबे वगैरह इस्तेमाल की जाती है। हाँ ये भी एक निंद्रा का कारण है। हाँ जी। अगर येलो कलर की लाइट रहती है जो पुराने टाइप के बल्ब थे, हाँ तो वो इसमें काम करते हैं। ये एक अलग से मैंने देखा है इस चीज पे करके। जी मोबाइल से भी जो कलर, उसका कारण भी यही है कि मोबाइल देखने से क्यों नहीं आती, क्योंकि उसमें से वाइट रोशनी निकलती है एलईडी वाली। जी तो एलईडी लाइट इसको इफेक्ट करती है कि निंद्रा आपकी कम हो जाएगी उससे। जी तो इसके पीछे क्या मतलब है कारण, वो नहीं समझ में आता। इस पर डॉक्टर नवीन जोशी सर का कुछ अनुभव है क्या कि लाइट का क्या इसमें है? जोशी सर आप हैं क्या? लेकिन है, इसका इफेक्ट जरूर है। आपने बताया वो सच है लेकिन इसका क्या साइंटिफिक रीजन क्या है? हाँ वो नहीं समझ में आया इसमें। शायद सुनने में ये है कि एलईडी लाइट में शायद जरो पारा का थोड़ा बहुत इस्तेमाल है, मरकरी का। जी तो उसका शायद कुछ हो, इसके जैसे हीट पैदा होती है उसमें तो थोड़ी थोड़ी रेडिएशन टाइप कुछ निकलता हो इससे। जी ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब मुझे कंफर्म कुछ नहीं है इसके बारे में, मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ। जी
तो है इसमें, मतलब मैं इसमें कुछ ना कुछ तो है, कोई केमिकल या रेज निकलते हैं जो हमारे माइंड पे अफेक्ट करते हैं। तो मैं जो मेरे पेशेंट आते हैं अगर बोलते हैं मुझे निंद्रा आज, तो उनको मैं कम से कम ये बोलता हूँ कि 2 घंटे पहले आप किसी भी व्हाइट लाइट में नहीं जाओगे, बस इतना ही करना है जी। मोबाइल भी 2 घंटे पहले बंद करके रखोगे आप सोने से, अगर 10 बजे सोने जा रहे हो तो 8 बजे आपकी सारी व्हाइट लाइट बंद जी। येलो कलर की लगा के बैठो, अगर सिंपल बल्ब लगा लो, अगर बैठना ही है तो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है जी। एलईडी नहीं लगाओगे जी, तो उसमें इफेक्ट दिखता है जी। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। इसका कोई साइंटिफिक रीजन किसी को पता है तो बता ही सकते हैं, अनम्यूट करके कृपया बताइए किसी को साइंटिफिक रीजन मालूम है तो हम और रिसर्च करेंगे इस पे और फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अगर नहीं मालूम तो रहने दीजिए। अब इसमें चिकित्सा क्या करना है, इसमें वात और पित्त बढ़ा हुआ है तो हम चिकित्सा करेंगे तो मधुर रसात्मक द्रव्य का प्रयोग करेंगे तो वो पित्त को भी शमन करेगा और वायु को भी शमन करेगा। तो जो भी द्रव्य सेलेक्ट करें वह निद्रा जनन द्रव्य हो, जैसे कि भैंस का दूध है वह सबसे अच्छा निद्रा जनन बताए तो भैंस का दूध पिला देना चाहिए। दूसरा, गुरु और स्निग्ध पदार्थों का सेवन कराना चाहिए, मतलब पेशेंट को बोलना चाहिए कि भरपेट खाना खाइए, स्निग्ध पदार्थ मतलब भर पेट खाइए और ज्यादा थोड़ा घी वगैरह से बनाया हुआ, उससे नींद आती है। आकांक्षा जी आपको कुछ बोलना है क्या? डॉक्टर आकांक्षा जी आपका बर्तन का बाजार है जी। देखिए मैम काम भी कर रही है और पढ़ाई भी कर रही है, कितने अच्छे हैं। तो ना इस तरह से और क्या करना है, दीपन पाचन अनुलोमन कार्य करना है, वृष्य और हृदय अगर ऐसी दवाइयां देते हैं ना तो अच्छे से नींद आने लगती है। अगर कृमि की वजह से नींद नहीं आ रही है तो कृमि की चिकित्सा करें। अगर और क्या करना है, वात शामक और पित्तग्नि चिकित्सा करें। तो अब इसमें और भी बोलते रहे जैसे तगर आदि कषाय दे दिया, अहिफेनासव दे दिया, अहिफेन के कल्प दे दिया तो नींद अच्छे से आती है। फिर उसके बाद में पिपली मूल और गुड़ अगर दे दिया तो नींद आती है। फिर पादाभ्यंग कर दिया, शिरोभ्यंग कर दिया, पूरा बॉडी में संवाहन कर दिया तो नींद आती है। फिर आप लोग और कुछ बताइए, आप लोगों का कुछ अनुभव है तो अश्वगंधा रिष्ट भी दे दिया तो नींद अच्छी आने लगती है। डॉक्टर श्रुति जी आप क्या देती हैं, आयुर्वेद का बताइए कि नींद आने के लिए डाइजेपाम वगैरह तो नहीं आयुर्वेद ही देती हूँ सर। अश्वगंधा भी बहुत अच्छा काम करता है, तगर इसमें अश्वगंधा रिष्ट भी जैसे रात में दे दिया, यदि पित्त वाला नहीं है, यदि आप वो देखना है कि किस दोष के कारण है। और सर ये जैसे विहारश तो बहुत सारे हेतु है लेकिन आहार में हमारे यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी परिकल्पना है कि यदि हम बहुत ज्यादा हैवी डाइट लेते हैं और मतलब बहुत शाम को जैसे पेशेंट को बोलो तो कभी कभी पेशेंट यदि ऐसा कुछ आहार लेते हैं जिसके कारण उनका स्टमक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो फिर अनिद्रा हो जाएगी। लेकिन वही रात को सोते समय यदि हमने बोल दिया कि भैंस का या गाय का ही एक ग्लास थोड़ा सा आप दूध पी लीजिए, थोड़ा वार्म मिल्क, तो वो बहुत अच्छा निद्रा जनक होता है। तो ये भी बहुत अच्छा ऐसे हम बोल सकते हैं, रात को दूध पिलाना, पैर पे पैर के तलवों पे थोड़ा सा हल्के गर्म तेल से मसाज करना। शिरोधारा नहीं करा सकते हैं तो शिरोपिचू बच्चों को यदि बोलते हैं, जैसे कुछ में बात वृद्धि हो रही होती है, कुछ डिसीज समझ में आती है तो शिरोपिचू का भी बहुत अच्छा रोल है। जैसे ऐसे कॉटन को रख के ब्रन रन पे और किसी भी कपड़े से ऐसे बांध देना। और बड़े में नस्य का भी बहुत अच्छा यूज है इसमें, तो ब्राह्मी घृत वगैरह हम वैसे दे सकते हैं। अश्वगंधा नॉर्मल भी गरम दूध से दे सकते हैं, अश्वगंधा रिष्ट भी, अश्वगंधा चूर्ण भी और कैप्सूल्स भी आते हैं। तो सारी तरीके से अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। मेंटेट सिरप वगैरह भी है, टैबलेट भी है, वो भी अच्छा यूज कर सकते हैं सर। तगर जैसे बताया वो भी अच्छा है, टेंशन है तो मानस मित्र वगैरह अच्छा यूज करते, जटा मानसी बहुत अच्छा काम करता है, माशी आदि कसाय करके आता है वो भी दे सकते हैं, वो सुबह शाम भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें ही यूज करनी चाहिए सर। और ना शिरोधारा से बहुत अच्छा रिलैक्स हो जाता है माइंड और नींद। हाँ शिरोधारा से सर, लेकिन बच्चों में एक्चुअली नहीं करा पाते शिरोधारा ना, तो फिर शिरो पिचू रखवाने के लिए कभी बोल देते हैं। लेकिन शिरोधारा अच्छा है, लेकिन उसकी भी फिर सिटिंग यदि नहीं कोई कर पा रहा है और वो टेंशन ही है तो फिर शिरोभ्यंग शिरोपिचू बोल देते हैं। बाकी तो सर आप अच्छा से बता। और ना वो मेरे पास अनुरिता मैडम आती है ना, उनको मैं नस्य दे देता हूँ 15 ml शीर वाला तेल का, 101 आवर्ती वाला, तो नस्य लेने के बाद सो ही जाती। देखा सर बहुत ही अमेजिंग है वो नस्य, तो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि माइंड रिलैक्स हो जाता है।
जितना स्नेहन होगा दिमाग में उतना नींद अच्छी आने लगती है। हाँ सर, सर्वांग अभ्यंग भी, जैसे किस कोई बहुत ट्रैवलिंग करके आया या कोई ऐसे खेल कूद कर आया या जिसमें भी पूरे शरीरगत बात बढ़ी हुई है उसमें सर्वांग अभ्यंग भी बहुत अच्छा। या छोटे बच्चे ही हैं, बहुत खेलते हैं प्लेग्राउंड में खेल के आए, फिर उनका रात में बहुत डिस्टर्ब रहता है स्लीप, तो जनरली माँ को एडवाइस करते हैं कि अच्छा सा कोई भी ऐसा चीर बला या फिर बला तेल ही ले लो, धन्वंतर तेल ले लो, उसको अच्छे से मसाज कर दो। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल डॉक्टर जैसे बहुत न्यूनेटल भी होते हैं ना चाइल्ड, उसमें डॉक्टर्स मना कर देते हैं काजल नहीं लगाना है और मालिश नहीं करनी है, तो बहुत मुश्किल होता है समझाना। लेकिन यदि बच्चे की रात में आप मालिश करके सुलाते हैं तो जो बच्चे रात में उठ के परेशान करते हैं ना, उनका स्लीप बहुत डीप स्लीप होता है, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो पैर वैर चला के इतने ज्यादा थक जाते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं तो उनमें जब आप मसाज करके सुलाओगे तो वो रात में कम परेशान करते हैं, तो ऐसा देखते हैं जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर ऐसे थकान वाले केस में बच्चे हों या बड़े हों, क्योंकि मैंने देखा है चंदन वाला लक्षादी तेल का मसाज बहुत अच्छा था। हाँ। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है जी, आपने सही बताया, उसका बस्ती नस्य बहुत अच्छा फायदा होता है, शिरोभ्यंग बहुत अच्छा फायदा करता है। एक तो मेरे पास एक पेशेंट है वो बोले कि सर मेरे वाइफ नहीं थी तो मैं जब मेरे वाइफ आ गई तो मैं उनके साथ सोता हूँ तो मुझे नींद अच्छी आती है। मतलब विहारात्मक ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर किसी से कोई प्यार करता है और उसके साथ रहे ना तो सुख आता है, जहां पर भी माइंड किसी भी तरह से प्लीजेंट हो, सूदिंग फीलिंग हो, वहां उसको नींद आएगी। माइंड पे भी डिपेंड करता है ये नींद आना। सर वाग्भट सूत्र स्थान 7 चैप्टर के 46 श्लोक में आपका लक्षण दिया हुआ है, सेम श्लोक में। क्या दिया है सर? श्लोक में दिया निद्रा के लिए ही, उसमें बताया गया शीलियत मंदिरस्तु शीर मध्य रसान वधि अभ्यंग उद्वतन स्नानन मूर्ध कर्णाक्षी तर्पणम कांता बाहुल श्लेषो निवृत्ति कृत कृत्यः मनो अनुकूल विषया कामम निद्रा सुख प्रदाह। तो इसमें बताया मनो अर्थ बता दीजिए हर चीज का, हर श्लोक का। सर इसमें लिखा है कि जिसमें कि जिसको नींद अच्छी नहीं आती है उनके लिए दूध मद्य मांसरस दही अभ्यंग उपटन करना स्नान करना, स्नान करके जैसे सो सकते हैं वो लोग, सर में तेल डालना सर पे जैसे कि वात का स्थान बताया गया है, कान में तेल डालना और सर पे घड़ियां रखना जैसे अभी श्रुति मैम ने बताया, तो तेलों की घड़ी रखना मतलब पिचु धारण करना, इन सबके सेवन करने से निद्रा अच्छी आती है। और इसमें मतलब बाहुलता आलिंगन मतलब जो आपका प्रिय है उसका अगर आलिंगन उसको मिल जाता है तो उसको निद्रा अच्छी आती है, सुख समाधान वह ऐसी विषय की प्राप्ति होती है और निद्रा सुख कर आती है। जी सर आपने सही बताया, ये प्रैक्टिकल है, ऐसा ही होता है जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, अपना कोई अनुभव कोई मेडिसिन किसी को कुछ शेयर करना है तो। डॉक्टर प्रीति जी आप करना चाहती हैं कुछ, आपका अनुभव पादाभ्यंग जो करते हैं ना उससे तो बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी। डॉक्टर सुबोध वर्मा जी, बाकी लोग बोलते नहीं है, डॉक्टर शैलेश भाई कप्तान जी, डॉक्टर अरविंद व्यास जी। हाँ जी बताइए। सर मैं तो इसमें एक जटामासी और अश्वगंधा दोनों को दूध में शीरपाक बना के ना, हाँ उसमें आधा चम्मच घी मिला के, हाँ, मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से वो देता हूँ, हाँ, बढ़िया रिजल्ट आते हैं, मतलब किसी को शिकायत नहीं आई जी, अच्छी नींद आती है जी। सर तंद्रा निद्रा और एक और शब्द होता है क्लम, सर इसमें डिफरेंशिएशन। क्लम जो रहता है मानसिक थकावट रहता है, मन जब बहुत ज्यादा थक जाता है, मन चिड़चिड़ हो जाता है तो क्लम की अवस्था थी, उसमें माइंड बहुत थका हुआ रहता है तो वो निद्रा नहीं बोल सकते हैं। और तंद्रा जो रहता है वो एक्चुअल नींद नहीं रहती है, उसमें ना ड्राउजीनेस बहुत रहता है। स्लीप और ड्राउजीनेस में आपको क्या लगता है, मतलब नींद नहीं है वो, उसमें वायु का प्रकोप है ड्राउजीनेस में। सर तंद्रा में मतलब कफ ज्यादा होगा, कफ ज्यादा होगा जी। हाँ जैसे कि खाना खाने के बाद मधुर अवस्था पाक होती है, और क्लासरूम में आप लोगों को भी नींद आती होगी, नींद नहीं होती है वो, कुछ तो ऐसे दिमाग पे पूरा ऐसे आवरण टाइप हो जाता है, इंसान सोता नहीं है लेकिन वो ड्राउजी हो जाता है बहुत ज्यादा जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए कृपया। डॉक्टर मीना नागर जी,
आपके कोई अनुभव है, कोई मेडिसिन है तो बता सकते हैं नींद आने के लिए? सर इसमें एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था जी, कि जैसे खाने के बाद जिनको नींद आती है, कुछ हाँ। पेशेंट ऐसे भी बताते हैं कि हम सिर्फ अगर 5 मिनट के लिए एक झपकी ले लें ना नींद की, सिर्फ 5 मिनट के लिए, हाँ। तो बिल्कुल ऐसे फ्रेश हो जाते हैं जैसे कि मतलब सुबह उठते हैं, तो इसका ये क्या सही अच्छा है? मेरे हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए, थोड़ा नैप लेने में तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। जिनको ओक साथ में है, और अपने ग्रंथों में बताया कि जिनको साथ में है, साथ में शी लेता है, उनके लिए वो ठीक है जी, मतलब 5 से 10 मिनट उनको अलाउ कर सकते हैं सोने का। हाँ हाँ, और बहुत ज्यादा देर तक सोएंगे तो कफ का प्रकोप हो जाएगा। सर कुछ नोट्स में सर के मैंने नोट किया था, वो बताती हूँ थोड़ा सा, शायद हेल्पफुल होगा सबको। मतलब नींद की, नींद बॉडी की जो पोजीशन है नींद के समय, उसके अनुसार बहुत सारे डिसीजेस का क्लासिफिकेशन हम सोते समय मतलब पेशेंट को पूछ सकते हैं, जैसे खासतौर से बच्चों में है जो जिसकी मदर अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती है। तो उसमें उल्टा सोने पर जैसे मुख रोग, कृमि रोग तो नहीं है, जैसे पेट के बल बच्चे सोते हैं। वाम कुक्षी पर यानी लेफ्ट में सोने पर डाइजेशन का कोई पेशेंट के प्रॉब्लम रहता है, इससे रिलेटेड कभी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वाम नाड़ी बंद होती है उसमें। दक्षिण कुक्षी पर सोने पर यानी राइट पोजीशन में, राइट करवट की तरफ सोने में दक्षिण नाड़ी बंद हो जाती है, वाम नाड़ी शुरू रहती है। और सीधे सोने पर हृदय और फुफ्फुस से रिलेटेड प्रॉब्लम पेशेंट को ऐसे देखने में मिलती है। तो सोने की पोजिशन से लेकर भी हम एक निदान के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ चीजें जी। ये नोट्स आप मुझे देंगी क्या? मैं आपको मेल आईडी देता हूं। जी सर बिल्कुल। आपके पास पीडीएफ में है क्या ये नोट्स? नहीं नहीं, जैसे आपके पास नहीं वैसे मेरे पास भी नहीं है पीडीएफ। मैडम ग्रुप में डालिए ना, हमें क्यों छोड़ रहे हो आप? सर मेरे पास पीडीएफ में नहीं है, फोटो खींच के मैं क्या क्या डालूंगी, इसी वजह से जैसे सर कोई नहीं दे पाते वैसे हम डाउनलोड कर लेंगे। आपके पास जितना है उतना सब दे दीजिए जी सर। हाँ कितना बढ़िया बताया आपने, सोने के पोजीशन से भी व्याधियां, ये हमने सुना है सर से, लेकिन आप भेज दीजिए जी सर जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए कृपया। डॉक्टर रूपाली जी कुछ बोलना चाहती हैं क्या? ऐसे क्या है ना, ये सब सुनना इतना अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा है ऐसा है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोले, नहीं तो संभाषा बंद करते हैं। आकांक्षा जी बंद कर दे संभाषा जी। सर सर आपने यूज किया कैलाश जीवन, उसका भी बड़े अच्छे रिजल्ट है। हाँ कैलाश जीवन और लवण भास्कर चूर्ण अगर मिक्स करके हाँ। नींद बहुत अच्छी आती है जी सर बिल्कुल जी। ठीक है सर, ओके अभी का समाशा बंद करते हैं, फिर हम लोग फिर मिलेंगे 8 बजे। सभी लोगों को थैंक यू, प्रणाम। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए सर, मैं नलिनी बोल रही हूँ जी। सर मुझे कभी कभी तो बहुत गहरी नींद आती है दोपहर में, कभी बिल्कुल भी नहीं आती, कभी रात में भी ऐसे 2-2 बजे तक रहूंगी, कभी एकदम से आ जाती है नींद उसका। तो एक तो अगर आप दिन में सोना बंद कर दीजिए प्लीज, फिर आपको नींद अच्छी आ जाएगी। हाँ दिन में तो सोए नहीं ना सर, तो बहुत एसिडिटी हो जाती है मुझे। दिन में नहीं सोए तो? हाँ तो कितना देर सोती है? एकदम गले में जलन से होने लगती है। तो कितना देर सोती हैं दिन में? आधा एक घंटा। हाँ ऐसा सब लोग बोलते हैं, जिनको हम मना करते हैं कि मत सोइए ना, तो उनके माइंड में ऐसा होता है कि अगर नहीं सोएंगे, रेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा पूरा दिन खराब जाएगा। तो असली में क्या सर, ये 25 अप्रैल को ना हस्बैंड की डेथ हो गई थी ना मेरे, हाँ कोरोना से, तब से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ मुझे, हालांकि एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रही है उसके लिए जी। मतलब मुझे तो पता नहीं था आयुर्वेदिक का, अभी आयुष दर्पण से अभी मैं जुड़ी हूँ। आप भी क्या डॉक्टर ही हैं? घबराहट होती है, कभी एकदम पसीना आता है, कभी अच्छी नींद आती है। अभी मुझे लगभग 15 दिन से वो दवाई चलते हुए भी वो पूरा हॉस्पिटल का उनका याद आता है कंटिन्यूस। तो आप क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं क्या? हाँ सर मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मंगला वगैरह ना, मैं हम एक ही बैच के हैं। अच्छा डॉक्टर मंगला जी अमरावती की। हाँ हाँ मैं भी अमरावती से बात कर रही हूँ जी। तो आप ऐसा मत सोचिए ना कि अभी जो ऊपर वाले भगवान ने जो डिसाइड किया है वही होगा ना, जो उनको पसंद है वही होता है, कुछ कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती है, तो इसमें अपना शरीर को क्यों नुकसान पहुंचा रही है? हाँ सब वो सब समझता है सर, फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाती, कभी एकदम इनसिक्योर लगता है, कभी बच्चों की चिंता होती है, बेटे को सर
जॉब कर हम रहे सब हैं आपके तो साथ आपके में पास हैं, आप बिल्कुल भी इनसिक्योर मत सोचिए, हम सब आपके साथ हैं। आप हमारे आयुष दर्पण फैमिली से जुड़ गई है ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर कर सकती हैं, और बिल्कुल भी मत ऐसे हेसिटेशन करिए, हमसे बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है और आप हमसे बात करें। क्या है ना, अकेले अकेले रहेंगी तो अकेलापन महसूस होगा, आप यहाँ संभाषण में आएंगी बात करेंगी तो अपना दुख दूर हो जाएगा, मतलब भूल जाएंगी आप। हाँ सर, इनको नशे अच्छा रहेगा। हाँ आप बताइए कौन सा नशे देना चाहिए। ये शीरबला 101 बढ़िया रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया, तो डॉक्टर मंगला जी को बोलिए कि वो नशे दे दें आपको। हाँ जी जी सर। सर आप वो कह रहे थे, अच्छा वो बेटे का, बेटे को देखना चाह रहे थे ना सर, मैंने वो आईसाइट के लिए बताया था आपको। हाँ अभी आप अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए ना, आईसाइट के लिए आप ये करिए, वीडियो ऑन करिए, मैं देख के बता देता हूँ। अच्छा एक मिनट सर। हाँ अभी आप खुद सोचिए, मैं आकांक्षा जी को मिला नहीं हूँ कभी भी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यारी बहन लगती है आकांक्षा जी, श्रुति जी, हम लोग एक फैमिली है, यहाँ पर हम लोग इतना दिन भर बात करते हैं सुबह शाम। सर एक दो मिनट सर। कोई बात नहीं, और डॉक्टर रमनगर जी आपको कुछ और बताना है तो बताइए, इनको मानस मित्र कुटी का महाकल्याण ग्रहित ब्राह्मी ग्रहित में क्या देना चाहिए। इनको मानस मित्र गुटिका दे सकते हैं, और साथ में सर इनको खाने के बाद शुद्ध शिखर रस भी चलाना चाहिए। अच्छा उससे क्या आपने पित्त का संप्राप्ति सोच के कहा। ये बोल रही है कि दिन में नहीं सोई तो इनको एसिडिटी होता है। जी सर, मैंने देखा है जो खाने के बाद बार बार जिनको जो बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा नींद आती है, हाँ। वहाँ पे कहीं पित्त की ही कमजोरी नजर आती है मुझे। हाँ पेशेंट ऐसे ठीक किए हैं जिनको मैंने शुद्ध शिखर रस चलाया तो उनको बहुत फास्ट रिजल्ट मिले। जी जो देखिए सेक्रेशन सही हो जाता है तो फिर वो फालतू की नींद है वो भी चली जाती है। जी डॉक्टर विकास कुमार जी, आप इनका केस टेकिंग करिए ना प्लीज सर, ये बच्चा का केस टेकिंग आप करिए ना। डॉक्टर विकास कुमार जी सुन पा रहे हैं क्या अभी आप लोगों को? पता नहीं, डॉक्टर विकास कुमार जी पूरे इंडिया में फेमस हो गए क्योंकि इनका चश्मा निकल गया। डॉक्टर विकास कुमार जी सुन पा रहे हैं क्या सर? अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं बाइक चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आकांक्षा जी आप इनका केस टेकिंग करिए ना प्लीज। जी सर। हाँ जी क्या नाम है आपका? समीर मैम, समीर डोंगरे नाम है। ओके कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन चालू है। ओके बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम है समीर? वो आईसाइट के लिए मम्मी ने पूछने के लिए किया था कि नहीं, आपको प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं वो बताइए। नहीं मैम, प्रॉब्लम्स ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंख में इरिटेशन या ऐसा कुछ भी नहीं, खुजली नहीं, होना ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपको पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत रहती है, मतलब खाना खाने के बाद सुडन मोशन ऐसे कोई दिक्कत रहती है? नहीं वैसा नहीं होता कुछ। खाने से खाने के बाद मोशंस होना या कॉन्स्टिपेशन रहना ऐसा कोई भी दिक्कत? यूजुअली होता है अभी नहीं, अभी नहीं मतलब पहले से लेकर अभी तक जो आपको पता है, क्या पेट से रिलेटेड आपको कभी कोई दिक्कत रही है? हाँ वैसे दिक्कत होती है, मतलब ज्यादा कभी स्पाइसी हो गया तो एकदम फिर नेक्स्ट डे प्रॉब्लम होता है, मतलब ऐसा। ओके वो रहता है, और बाकी स्टिकीनेस कभी रहती है मोशंस में? नहीं मैम कभी नहीं रहती है। फास्ट फूड कितना होता है खाने में? अभी बहुत कम हो गया है, पहले शुरू में खाता था मैं 10-15 मतलब 15 साल का था ना। हाँ अभी तो बहुत कम हो गया है, अभी उसकी एज 25 है। अच्छा ओके इनको मतलब खाने में घी वगैरह ऐसा खाने में हमेशा रहता था कि बहुत कम रहता था? नहीं घी तो इसको पसंद ही नहीं है, नॉनवेज भी खाता है, एग्स वगैरह खाता है। हाँ बाकी मतलब रोटी में दाल में ये कॉमनली घी यूज नहीं करते हैं? नहीं नहीं घी नहीं खाता। ओके थोड़ा तीखा टाइप पसंद रहता है बच्चों को आजकल के। ओके और रात में नाइट स्टडीज रहती है इनकी? हाँ 12-1:30 बजे तक बस। और मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं?
5:30-6 के आसपास। अच्छा मतलब प्रेफरेबल मॉर्निंग स्टडीज करते हैं। हाँ ओके। इससे पहले कभी आपको कोई बहुत तेज फीवर आया हो बचपन से लेकर अभी तक? बहुत मतलब फीवर की कभी हिस्ट्री रही है इनको, टाइफाइड मलेरिया या ऐसा कुछ भी? नहीं मैम, अल्टीकेरिया का प्रॉब्लम है मैम बचपन से थोड़ा। अच्छा बचपन हाँ। से प्रॉब्लम है, मतलब खांसी वगैरह ज्यादा रहती थी क्या बचपन में इनको? कभी खांसी रहती थी मैम? ये थोड़ा मैं ये जब हुआ ना तो हम लोग बीकानेर में थे राजस्थान में, तो वहाँ पे एकदम 3 डिग्री टेम्परेचर, ये 9 महीने का था जब। हाँ। इसको थोड़ा कफ की प्रॉब्लम रहती थी और थोड़ा नाजुक ही था मतलब। अच्छा तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट हमेशा चलती रहती थी बच्चे की उस समय? नहीं तो नहीं, पर बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ता था, थोड़ा एक्सपोजर हुआ कि उसको सर्दी जुकाम ऐसा। हाँ ओके, मतलब उसके लिए सिरप्स और ये सब एलोपैथिक का चलता रहता था? एलोपैथी ही चलता था मैम। ओके 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 ठीक है ओके। और बाकी मोशंस वगैरह क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। भूख लगती है? हाँ भूख लगती है। ओके ठीक है ओके जी सर जी। तो इनको ना यही हमें देना चाहिए, सिलिंड्रिकल नंबर कितना है और स्फेरिकल नंबर कितना है वो नहीं बताया ये सर? 4.5-4.5 तो इनको क्या करना पड़ेगा? 2 गाजर रोज खिलाना पड़ेगा भूखे पेट। और सर मैंने तो इसको मतलब थर्ड में था ना, थर्ड फोर्थ में सबसे चश्मा लगा है, खूब मूंग की दाल भी खूब खिलाई है और गाजर वगैरह, गाजर का जूस जितना हो सके मैं हर सीजन में बहुत ज्यादा खिलाती हूँ इसको। और इनको जो दवाई देंगे तो बृहदवासकादि कषाय, फिर सप्तामृत लो चूर्ण फॉर्म में वो देना। अच्छा। है त्रिफलाग्रित देना है सर, नोट कर लूँ क्या मैं? आप नोट कर लीजिए। और एक डॉक्टर विकास कुमार को आप जानती होंगी? हाँ, मैं तो अभी जुड़ी हूँ सर, 2-3 क्लिनिक। तो चश्मा ही उतर गया पूरा एकदम ठीक। मंगला मैडम ने बताया था मुझे। भी बहुत कम लग रहा है ना? हाँ स्नेहन कम लग रहा है, बहुत ज्यादा रुक्षता बढ़ी है बॉडी, रुक्षता बहुत बढ़ी, मज्जा धातु को स्नेहन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं ओवरऑल सर उसके मुझे पित्त कफज प्रकृति लगती है, थोड़ा सा तापट भी है, गुस्सा आता है और हेल्दी है ऐसा बुढ़ी है इसमें सर। थोड़ा सा ग्रहणिकी और स्नेहन नस और मतलब ओरली त्रिफलाग्रुत तो खैर चले गए, लेकिन ग्रहणिकी भी ट्रीटमेंट, और अगर इनको मेरे ख्याल से बृहत विरेचन से स्टार्ट किया जाए तो बहुत अच्छी मेडिसिन लागू पड़ेगी। बराबर। मेरे को कफ की भी व्याधि लग रही है, इसलिए नस से तो मस्त। पर अभी दिन में सोए भी थे तो दिन में डेली सोते हैं क्या? हाँ दिन में डेली सोते हैं, मैं भी सोती हूँ, बच्चे भी सोते हैं। इनहेरिटेटेड आदतें आ जाती है माता से बच्चों में। हाँ सर तो ग्रहणी की ट्रीटमेंट लेनी ही लेनी ही पड़ेगी। भी हो गया था वो मार्च महीने में। अच्छा जी सर वो आंखों का आईसाइट का थोड़ा सा वो बताए ना, बृहदवासकादि कषाय फिर सप्तामृत लो चूर्ण फॉर्म में दीजिए, उसे अच्छा देना चाहिए सर। एक एक चम्मच सुबह शाम, एक एक चम्मच। अनुपान क्या है सर? अगर सप्तामृत लो दे रहे हैं तो विषम मात्रा में घी और मधु शहद उसके। अच्छा, चाटन जैसा मतलब? चाटन के तरह वैसा दीजिए, पंचामृत लो गुगुल दे दीजिए, त्रिफला गुगुल सूक्ष्म त्रिफला भी दे दीजिए तो उससे फायदा होगा। ठीक है अभी मैं ये लेक्चर क्या बोलिए ये सब चलाना है सर एक साथ, पंचामृत लो सप्तामृत लो? हाँ उससे आंखों को ताकत मिलती है। अच्छा मुझे ना 2 बात कहनी है। एक मैंने जो कल बताया था आप लोगों को कि जो कंपवात है पार्किंसन के पेशेंट, उसके 2 तरह के पेशेंट आते हैं। एक ना माइंड पे कंट्रोल होता है और मांसपेशियां वीक होती हैं, तो जिनका माइंड पे कंट्रोल है उनके लिए कप्पी कच्चू का बीज का जो दिया जाता है कौंचा पाक या झंडोपा कंपनी का दिया जाता है, वह पार्किंसन को ठीक करता है। और जिन पे नहीं हो रहा है मतलब माइंड का कंट्रोल नहीं है और अपने आप बॉडी हिल रहा है कंपवात हो रहा है, उनपे तांडवातरी लो श्यामादि कषाय, फिर ये जो बता रहे हैं कंपवातरी रस, ये बहुत अच्छा काम करता है। माइंड पे कंट्रोल है कि नहीं उस पर डिफ्रेंशिएट करके हमें चिकित्सा करना चाहिए। और दूसरा बात मुझे ये कहना है कि आकांक्षा में हमने हमारे जमदग्नि सर का कुछ नोट शेयर किया है, जो लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि निद्रा जनन के लिए क्या क्या देना है। तो लाक्षा चूर्ण देना है, ब्राह्मी देना है, फिर 1 चम्मच कैलाश जीवन देना है,
और पाचक चूर्ण मतलब लवण भास्कर चूर्ण ये सब देना है, तो इससे क्या होगा कि ब्लड सप्लाई अच्छा होता है और नींद बहुत अच्छे से आती है। फिर उसके बाद में अगर अश्वगंधा चूर्ण को अगर दे दिया जाए खाने के पहले तो नींद बहुत अच्छी आती है, 2 महीने में नींद, 3 महीने में नींद अच्छे से आने लगती है। उसी तरह से पिपली मूल, खुरासानी अजवाइन जो रहती है, पारसी की अबानी, जटामानसी, धमासा, सर्पगंधा, इससे बहुत अच्छा से नींद आता है। इसी तरह से तगर का चूर्ण हो गया, ये योग रत्नाकर का भाग है, बताया है योग रत्नाकर में, तगर का चूर्ण हो गया, जायपत्री का चूर्ण हो गया, ये अगर देते हैं ना तो अगर बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो दांत और मसूड़ों पे घिसना है, रगड़ना है मंजन की तरह, तगर चूर्ण और जायपत्री का चूर्ण, तो इससे नींद जिनको ज्यादा आती है वो ठीक हो जाता है। फिर नींद के बारे में सर ने बताया कि निद्रा जो है ये कफ के वजह से आती है, श्लेष समुद्भवा नींद उसके वजह से आती है, और दो दांत में जल और पृथ्वी महाभूत ज्यादा होता है तो उसके वजह से कफ पे कार्य करके निद्रा को ये कंट्रोल कर देता है, जो हम तगर और जायपत्री का चूर्ण का ये कर रहे हैं, ये क्लेद का नाशक रहता है और निद्रा की प्राकृतिक क्रिया को उत्तेजना देता है, और तगर चूर्ण जो है वो ब्रेन को उत्तेजित करके बहुत ज्यादा गाढ़ निद्रा ये जल्दी लाता है, और फिर स्वप्न वगैरह नहीं आते हैं। और सुगंधित द्रव्य भी जो रहते हैं ना, जैसे किसी ने अगरबत्ती लगा दिया तो फ्रेग्रेंस से भी नींद अच्छे से आने लगती है, इसलिए ये बता दिया। उसी तरह से बहुत जिसको जम्भाई आ रही है तो करंज पत्र को लेकर घी में उसको थोड़ा सा ये कर देना, फ्राई कर देना है, और उसको अगर ले लिया तो जिम्हा जो आ रही है वो ठीक हो जाती है। अधिक जिम्हा क्यों आती है, क्योंकि व्यान वायु विकृत होता है और मज्जा धातु जो रहता है उसमें भी जो संधि और मस्तिष्क उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए जिम्हा ज्यादा आ जाती है। और अधिक खाने से अपचन होता है तो जिम्हा बहुत ज्यादा आ जाती है। फिर हृदरोग के पूर्व रूप में जिम्हा बताया है, निद्रा से पहले जिम्हा आती है, हृदय जो रहता है वह कमल की तरह बंद हो जाता है इसलिए निद्रा आती है, ऐसा सर ये मैम ने बताया है। जो आकांक्षा जी ने और भी बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं वो आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। तो अभी सेशन बंद कर दे क्या सर? हेलो सर। हाँ जी, जैसा आप निद्रा जनन बता रहे तो दोपहर में नींद नहीं आने के लिए भी होगा ना सर? वेखंड आप ना हमारे पास आ जाइए, हम बात करेंगे, हम लोग रोज सेशन अब 4 बजे करेंगे तो नींद ही नहीं आएगी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, ये बृहत भास्कर ही कशा है, रेडीमेड लेना के सर? रेडीमेड वाला तो नहीं आता, कंपनी मेड का, वैद्य रत्नम का आता है, उससे रिजल्ट नहीं आता। फ्रेश लेके आए सारे वनस्पतियां और उसका काढ़ा बना के दीजिए सर। फिर फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा सर? अच्छा मैंने ये मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप चिंता मत करिए। और ना ये सर बोल रहे हैं कि दूसरा सेशन का टाइम हो गया है तो अभी बंद करना पड़ेगा। प्रणाम प्रणाम सर। थैंक यू सर। प्रणाम।